चार दिन में मैं बन जाऊंगी मिसेस सौम्या सक्सेना। मेरे नाम के आगे लग जाएगा मिसेस और मंगल के नाम के आगे। बड़े मजे से प्रसाद आ रहा है। मंगल से अंगूठी कैसे बचाऊं? अपने पॉकेट के अंदर से हाथ निकाल के पीठ के पीछे लाते हैं और खुजाने का बहाना किसी तरह से रिंग को रब करते हुए उतारते हैं आप और स्लिप करके पॉकेट में डाला। प्लीज कुछ करो इनका मंगल। मच्छरों का प्रसाद बच गया। वॉच दक्षी आपसे मिलने रानी ने मैदान में क्यों आए? क्या बात भी कर रहे थे उनसे? वो चिंता भी लग रहे थे आप, मैंने देखा था। और उसके बाद आप गायब भी हो गए। आप दक्षिणी सौम्या जी से शादी भी नहीं कर रहे, फिर वो आपसे मिलने क्यों आए थे? आपको ना उनसे दूर ही रहना चाहिए। हाँ मगर तुम बिल्कुल सही कह रहे, मुझे ना उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्या थके हो लोगों के नाटक समाते से? हाँ अपना स्ट्रेस खत्म नहीं हो, कहाँ मैं दूसरों को पछाड़ रहा हूँ। सौम्या और दक्ष का ब्रेकअप, इसीलिए दक्ष मुझसे मिल रहे हैं। मुझसे कह रहा था कि सौम्या से कहूँ कि वो शादी ना बताऊँ। अरे उनके झमेले में मैं क्यों करूँ? मेरे भी साफ साफ कह दिया यार, तुम्हारा मामला है तो बिल्कुल चलता है। मुझे भी बहुत बुरा, सोसाइटी ने पहली बार इतना बड़ा मौका दिया। श्री राम बनकर रावण का दहन करने का मौका सबको नहीं मिला। ऑफिस से बॉक्स का कॉल आया, जर्मनी के प्लान के साथ उन्होंने फोन कॉल लगा, बहुत शोर था इसके पीछे कोने बजा। क्या करूँ, काम ही ऐसा। बहुत ही बढ़िया सीन है जिसमें आदित्य जी को एंगेजमेंट रिंग सौम्या ने बनाई है और वो मंगल उनको प्रसाद देने आती है और वो अपना वो वाला हाथ आगे करते हैं जिसमें उन्होंने रिंग पहनी हुई है, फिर वो उसको पीछे करते हैं। उसको लगता है कि अभी से मंगल को नहीं पता लगना चाहिए, फालतू में घर में तमाशा हो जाएगा, अम्मा को पता लग जाएगा और वो लोग शादी करने वाले हैं, तो इसलिए वो अंगूठी छुपाते हैं और फिर मच्छर का बहाना करते हैं और अंगूठी उतार के फिर वो मंगल से प्रसाद लेते हैं। तो वही पर मंगल उनसे सवाल कर रही है, कई और भी है जो उसको कुछ चीज़ अटपटी लग रही है, तो मंगल को मंगल भी एकदम कन्विंस नहीं है उनकी बातों से। बट जो है फिर शेरवानी भी आती है, तो भी मंगल का क्वेश्चन है कि ये शेरवानी कैसे, अदित्य जी तो करवा चौथ पे कुर्ता पजामा भी नहीं पहनते हैं, ये शेरवानी कैसे पहन लेंगे और किसके लिए लिए उन्होंने, तो वही सब बातें हैं। पर मंगल को बार बार अम्मा कन्विंस करती जा रही है कि आदित्य बदल चुका है और अभी वो सब चीज़ें करता है और वो तुझे अंगूठी भी दी है, तो वो बहुत खुश है अभी, वो पहले जैसा आदित्य नहीं है। तो बार बार अम्मा की ये बातें जो है मंगल को ये भी लग रही है कि कहीं वो ज़्यादा तो शक की नहीं कर रही है, तो बार बार उसके जो दिमाग में संकोच आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अम्मा जिस तरह से उसको फीड कर रही है तो वो चुप हो रही है। बट देखते हैं अभी सच्चाई, मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी सामने आने वाली है।